मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अरे तो मुझे अभी शादी नहीं करनी है, फिर भी आप लड़की के भाई को भेज रहे हो मुझे देखने के लिए। मॉम समझा कीजिए प्लीज। बट मॉम पीजिए चाय पीजिए। मैं देखता हूँ फोन। अरे भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तूने कल रात को दो लड़कों का रेप कर दिया। अबे क्या बकवास कर रहा है तू, पागल तो नहीं हो गया तू? और तो और एक लड़के को भी बुला रखा है और मुझे बोलता है आजा भाई शेयर करेंगे। अबे तू गे है तो इसका मतलब ये नहीं मैं भी गे हूँ। अबे चुप हो जा, पागल तो नहीं हो गया है? वो तो भला हो भगवान का जो मैं बच गया। मुझे निकालना भी अबे क्या लगा रखा है इतनी देर से, क्या बकवास कर रहा है ये? अबे तूने ही तो मैसेज किया था मुझे, देख कल रात मैंने दो लड़कों का रेप कर दिया और एक लड़के को अभी घर पर बैठा रखा है, तू जल्दी से आ जा दोनों मिलके शेयर करेंगे। ये मैसेज तो मैंने किया ही नहीं, फिर ये किसने भेजा? दीपक क्या, अरे ना तो तूने बाइक की ना किराया और जो 50,000 रुपए लिए उसका क्या हुआ? अरे कौन सी बाइक और कौन सा किराया, अरे मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अच्छा अब लड़की फंस गई तो सब कुछ भूल गया, पहले तो बड़ा भीख मांगता था पैसे दे दो भाई, लड़की पटानी है। चलो रे छीनो सब कुछ। अच्छा यह है तुम्हारी असलियत, गो टू वेल फुक्कड़ नहीं का। अरे अरे सुनो तो सही। अरे ये हो क्या रहा है और कौन हो तुम लोग? सॉरी छोटे तेरे भाई का कॉल आया था, उसने जैसा कहा हमने वैसा किया। तू मेरा बड़ा भाई है इसलिए आज तक मैंने तेरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो तूने हद ही पार कर दी। तूने मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश क्यों की? हाँ किया इंटरफेयर और आगे भी करता रहूंगा, तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझता, चल निकल यहां से। मुझे तो गुस्सा आता है तेरे जैसा मेरा बड़ा भाई है। गुस्सा आता है तुझे? गुस्सा आता है? अरे मुझसे पूछ, मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई बताते हुए। एक तो मेरे और पापा के टुकड़ों पे पलता है और ऊपर से मुझसे सवाल पूछता है। अरे तेरे जैसे नालायक के होने से तो बढ़िया था मेरा कोई भाई नहीं होता। भैया रुको, अरे रुको रुको। जानू आज मैं मेरे बर्थडे पर तुमसे कुछ गिफ्ट चाहता हूँ। हाँ बोलो, तुम्हारे लिए कुछ भी कहो तो अपनी जान दे दो। अरे नहीं मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, हाँ लेकिन मैं तुम्हें अपनी जान बनाना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? व्हाट? शकल देख अपनी और मुझे देख। मैंने तुझ पे तरस खा के तुझसे फ्रेंडशिप क्या कर ली, तू तो शादी तक ही पहुंच गया, तेरे जैसे सो घुमाती हूँ रोज के। यू ब्लडी इडियट। देख तेरे जैसे सो घुमाती हूँ।
का चेहरा हमें मालूम नहीं था। भाई अगर तू मुझे आज पार्टी देना तो तुझे एक शानदार न्यूज सुनाता हूँ। बोल। पार्टी पक्की, लेकिन डिसाइड मैं करूंगा कि न्यूज शानदार है या नहीं। अरे तू न्यूज तो सुन, तेरे भाई की एक गर्लफ्रेंड है और तेरे भाई ने आज उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और वो तेरे भाई को खरी खोटी सुना के चली गई और वो वहीं बैठा बैठा रो रहा है। अरे वाह, न्यूज तो बिल्कुल शानदार है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको घाव दिया, अब उस पर नमक तो मैं ही छिड़कूंगा। अच्छा तो तू उसकी गर्लफ्रेंड के नाम और नंबर बता सकता है? हाँ ले ना, ले ले ले। वाह। हेलो, कौन आरती बोल रहे हो? उधर देख, छोटू एक्स भाभी के साथ। तुम दोनों क्या दांडव बनना चाहते हो? ये दांडव क्या है यार? महाभारत में द्रौपदी के पीछे पांच यानी पांडव और यहाँ पे आरती के पीछे तुम दोनों भाई मतलब दांडव। आज तो इन दोनों को सबक सिखा कर ही रहे। अरे रुक, पहले देख तो लिए यहाँ कर क्या रहे हैं। चल इधर आ, यहाँ से देखते हैं। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, एक बार मांग के तो देखो। Will you marry me? What? अपनी शकल देख और मुझे देख। मैंने तुझ पे तरस खा के तुझसे फ्रेंडशिप की और तू शादी तक ही पहुंच गई। तेरी जैसी सो घुमाता हूँ रोज की। मैंने तुझ पे तरस खा के तुझसे फ्रेंडशिप क्या कर ली, तू तो शादी तक ही पहुंच गया। तेरे जैसे सो घुमाती हूँ रोज के। कुछ याद आया तुझे? पहचानती है ने, भैया है मेरे। आज तक उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे और तूने उन्हीं के जन्मदिन के दिन उनकी आंखों से नदियां बहा दी। चल हट। भैया वो बस आगे कुछ मत बोल, बस इतना बता तू इतना बड़ा कब हो गया? भैया हम दोनों एक दूसरे को कितना भी रुलाए चलता है, मगर बाहर का कोई एक आंसू भी दे जाए तो खून खोलता है। भैया जब बात भाई की आती है ना तो दिमाग नहीं दिल काम करता है। खुशियाँ चूम लूं या रोलूं जरा, मर जाऊं या जीलूं जरा। हेलो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।